पैदा कर जिस देश जाति ने तुमको पाला पोसा, किए हुए है निज हित का वह तुम पे बहुत भरोसा। आज मोदी जी की मुहिम जनता कर्फ्यू इसी हित को साधने की बारी है। आइए हम सब मिलकर इस जनता कर्फ्यू को समाप्त सफल बनाएं, ताकि कोरोना वायरस से हमारा धनबाद, हमारा झारखंड और हमारा देश मुक्त रहे। गवर्नमेंट द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन करें। एज वी नो, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, बट हेयर विथ कोरोना यूनाइटेड वी फॉल एंड डिवाइडेड वी स्टैंड। सो लेट्स फाइट्स अगेंस्ट कोरोना। वी स्टे एट होम, से लाइफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद्रपुरा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष जेटू महतो आज आप लोगों से नम्र निवेदन करता हूँ कि 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता कर्फ्यू चल रहा है। आपसे एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि सरकार के द्वारा चलाए गए इस मुहिम को साथ दें, अपने घरों में रहें, जनता कर्फ्यू का पालन करें और अपने आप को बचाएं, देश को बचाएं और इस देश से कोरोना वायरस को दूर भगाने में अपनी भूमिका निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से निवेदन है कि आज जनता कर्फ्यू का समर्थन करें और घरों से ना निकले। साथ ही कहना चाहेंगे, सिर्फ आज ही नहीं, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा जरूरी कार्य हो तो ये आप घर से निकले, वह पूरे सावधानी के साथ घर से निकले। धन्यवाद। हेलो, मैं औरंगाबाद क्षेत्र से दिलीप कुमार शर्मा बोल रहा हूँ। ये हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जो जनता कर्फ्यू को लेकर के कदम उठाए हैं, हम उनके सहयोगी हैं। हम भी उनके साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्ते मित्रों, आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया भयावह स्थिति से गुजर रहा है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर हम और हमारा परिवार कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। 22 मार्च 2020 इस रविवार कोरोना के खिलाफ ऐतिहासिक जंग छेड़नी है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा भारत एकजुट है। मैं हृदय से उन कर्मचारियों और डॉक्टरों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बिना डरे बिना भेदभाव किए इस मुहिम के खिलाफ एकजुट होकर हम भारतवासियों को बचाने में लगे हुए हैं। स्वच्छ रहें, सतर्क रहें, कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। इस मुहिम को आगे भी जारी रखना है जब तक कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हो जाता है। धन्यवाद। इस विकट परिस्थिति में हम सबको एकजुट रहना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप सबों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जानते होंगे कि आज जो हमारा देश है वो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से काफ़ी तरह जूझ रहा है। इसका कहीं न कहीं कारण हम ही लोग हैं, जैसे हम लोग का गंदा वातावरण, गलत खान पान, खराब परिवेश, स्वच्छता के प्रति हम लोग का उत्तरदायी न होना। इन समस्याओं को दूर करके ही, इससे हम दूर रह के ही हम कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से निपटारा पा सकते हैं। आज हमें यह चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है जनता कर्फ्यू को लेकर, हमें चाहिए कि हम उनका नेतृत्व करें और तहे दिल से पालन करें और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली सपोर्ट जनता कर्फ्यू। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।